वेलकम बच्चों, ये वीडियो 11th क्लास के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। इस वीडियो में पढ़ रहे हैं बच्चों आप लोग फिजिक्स सेकंड का चैप्टर इलास्टिसिटी। इसमें न्यूमेरिकल चल रहे थे। अब तक बच्चों 5 न्यूमेरिकल हो चुके हैं, हम करेंगे बच्चों 7th न्यूमेरिकल। देखिए जितने न्यूमेरिकल हम करा रहे हैं कुछ छोड़ रहे हैं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है, जिसने सीखना है आपको, जिसे सीखेंगे अलग टाइप के, वो मैं करा रहा हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन है आपका यंग मॉडल्स ऑफ मटेरियल। अगर बच्चों यंग मॉडल्स ऑफ मटेरियल लिखा, यंग मॉडल्स नाम आ गया, तो आपको गिविन है वो वाई दिया हुआ है। वाई इज इक्वल टू 25 इंटू 10 टू पावर 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे बच्चों हाउ मच फोर्स विल बी नीडिड, आपसे फोर्स की वैल्यू पूछी है, यानी जो डेटा दिया हुआ है पहले उसे नोट करो और जो पूछा है उसे देखो। एफ आपसे पूछा गया है इंक्रीज लेंथ ऑफ 1 मीटर लॉन्ग, यानी 1 मीटर लॉन्ग वायर है तो आपको कैपिटल एल दिया हुआ है। कितना बच्चों? 1 मीटर। एंड दिस मटेरियल बाय 0.01%, यानी इसमें कितना इंक्रीज की गई लेंथ, यानी आपको ये है बच्चों डेल्टा एल, यानी इंक्रीज कितनी हो रही है 0.1% ऑफ इनिशियल लेंथ। ये आपसे बोला, समझना आपको, अंडरस्टैंडिंग है। और दिया हुआ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया इट मीन ए इज इक्वल टू 1 mm²। तो ये होगा बच्चों आपके पास में गिविन डेटा, फोर्स पूछा गया है, तो आपकी अप्रोच क्या होगी? अप्रोच ये होगी इन डेटा का यूज करते हुए जो फॉर्मूला आपके पास है उसका यूज करना। सबसे पहले हम लोग बच्चों देखो वो डेल्टा एल दिया हुआ है परसेंटेज में, इसे हम लोग मीटर में फाइंड करेंगे। मीटर में फाइंड करने के लिए 0.1% ऑफ 1, यानी 1 × 0.1/100। तो बच्चों ये आ गया आपका मीटर में, यानी 1 मीटर का 0.1% कितना होगा, वो होगा बच्चों आपका 0.1 पॉइंट तो है यहाँ पर, और 2 पॉइंट और शिफ्ट हो जाएगी 1, 2 और 1। इतने मीटर इंक्रीज लेंथ करनी है। देखो 1 मीटर थी, फोर्स लगा के इतना इंक्रीज कर दी, तो अब टोटल लेंथ कितनी होगी 1.001 लेंथ हो जाएगी आपकी। क्रॉस सेक्शन एरिया मीटर mm² में दिया हुआ है, इसको चेंज कर लीजिए बच्चों किसमें, मीटर स्क्वायर में। तो mm को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 10^-6 मीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में होता, मीटर में करते, 10^-4 आया था, दैट्स ओके। अब शुरू करते हैं अपनी बच्चों, वाई दिया हुआ है आपको, वाई के लिए फॉर्मूला पता है आपको क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग? वाई का फॉर्मूला होता है वाई इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का ये होता है आपका एफ फोर्स अपॉन एरिया, यानी फॉर्मूला बन जाएगा आपका एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। इस फॉर्मूले को याद रखना, फाइंड करना है फोर्स, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा बच्चों यहाँ से आपका वाई ए डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, हो गया। तो अब सारी वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, वाई की वैल्यू आपके पास है तो पुट कर दो उसको। तो ये हो गई बच्चों आपकी 25 × 10^12 एरिया 10^-6 लेंथ 0.001 अपॉन एरिया लेंथ 1, ठीक। अब सॉल्व करना शुरू करिए, जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो बच्चों ये क्या होगा, ये 1, 2, 3 ये चीज़ है 10^-3 और 10^-6 10^-9 हो गए, -9 में कट कर देंगे इसमें से, तो कितना बचेगा 10^3 कितना बचेगा 10^3। तो आपका हो गया बच्चों 25 × 10^3 फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। आंसर सही है बट एक्यूरेट नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल को 1 प्लेस बात कर देंगे, यानी 2.5 × 10^3 न्यूटन
ये होगा बच्चों आपका आंसर। स्टार्ट करते हैं बच्चों, इसमें आपको गिवन है ए एरिया, क्वेश्चन पढ़िए पहले यहाँ बच्चों, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ वायर, क्वेश्चन क्या है बताओ आपका 0.5, तो ए हो जाएगा यहाँ पर बच्चों आपका 0.5 mm स्क्वायर, एंड बच्चों लेंथ दी है आपको यहाँ पर L 4 मीटर, हाउ मच वर्क, आपसे वर्क पूछा है W कितना होगा, इंक्रीज करनी है लेंथ आपको 1 mm, एंड डेल्टा L आपको दे दिया 1 mm, एंड यंग मॉडल दिया हुआ बच्चों आपको y दिया हुआ है 2 × 10^11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपसे वर्क फाइंड करना है, तो बच्चों वर्क का फॉर्म पहले इन सबको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग मीटर में, लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 1 × 10^-3 मीटर, और एरिया को कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 0.5 × 10^-6 मीटर स्क्वायर। और जो वर्क के लिए फॉर्मूला पता है, अभी हमने पिछली डायरेक्शन फाइंड किया था, W इक्वल टू होता है 1/2 स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक, इनकी वैल्यू पुट करिए तो ये होगा बच्चों आपका 1/2 स्ट्रेस क्या होता है बच्चों आपका, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। ये हमने स्ट्रेस के प्लेस पर y इंटू स्ट्रेन लिख दिया, क्यों बच्चों हमें पता है y इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इक्वल क्या होगा y इंटू स्ट्रेन, तो यहाँ y इंटू स्ट्रेन पुट कर दिया, स्ट्रेन पहले था स्क्वायर बन गया। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, y स्ट्रेन की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है बच्चों आपका, इंक्रीज लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ का होल स्क्वायर इंटू वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू लेंथ, तो होगा ये 1/2। y की वैल्यू क्या है बच्चों आपकी दी हुई है, यारी 2 × 10^11 इंटू डेल्टा l, ये होगा बच्चों आपका 10^-3 इंटू 10^-3 स्क्वायर है l 4 × 4 एरिया 0.5 × 10^-6 और लेंथ 4, 4 × 4 कैंसिल, 2 × 2 कैंसिल, इसको हटाया बच्चों यहाँ से 0.5 को, तो अपॉन क्या है बच्चों 10, तो ये हो गया 40 को डिवाइड किया 5 × 8 = 40, तो हम ऊपर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है बच्चों आपका 3 × 3 = 6 और 6 × 6 = 12 हो गया बच्चों आपका, -12 और ये 11, तो ये होगा बच्चों आपका यहाँ पर 1 × 10^-1/8, हम इस 1/8 को डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 0.125 × 10^-1, एक प्लेस शिफ्ट कर देंगे 1.25, गलती हो गई बात सुन लीजिए, 1 × 10^-1/8, तो इसको हमने इसको डिवाइड कर देंगे 1 से, तो आएगा 0.125 × 10^-1, एक प्लेस शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों × 10^-2, और क्या डब्ल्यू निकाला, डब्ल्यू यूनिट होती है बच्चों आपकी जूल, दैट्स ओके। आज इस चैप्टर में ख़त्म, फिनिश हो गया कर दिए हमने, और कल से हम नया, चलो एक मिनट और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 समझना, क्वेश्चन 20 लैंग्वेज समझिए, द प्रेशर ऑन फ्लूइड हैविंग वॉल्यूम, यानी 20 का दिया हुआ बच्चों वॉल्यूम दिया हुआ है आपको यहाँ पर
V is equal to 3 into 10 to power minus 3 meter cube. Increased, यानी अब वॉल्यूम में इंक्रीज हो रहा था, क्या होगा बच्चे, डेल्टा वी इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. आगे देखिए, द वॉल्यूम ऑफ फ्लूड डिमनिज्ड, यानी जो उसका वॉल्यूम है वो कितना बच्चे क्या हुआ, डिमनिज्ड हो गया है. ये हो गया हमारा यहाँ पर P, इसे प्रेशर मार, इसे सॉरी जी आपको इंक्रीज, ये प्रेशर दिया हुआ है आपको, ये क्या है आपका प्रेशर P, न्यूटन पर मीटर से यूनिट पहचानिए प्रेशर होगा. अब जो डिमनिज जो वॉल्यूम हुआ है आपका यहाँ पर, ये बच्चों आपका डेल्टा V, ठीक है, ये 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 मीटर क्यूब. देखिए उन चीज़ों को यूनिट से पहचान लीजिए, अगर मीटर क्यूब है तो वॉल्यूम होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो प्रेशर होगा, ठीक. अब कह रहे हैं देन कैलकुलेट द यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर, आपको यंग मॉडुलस फाइंड करना है वाई. कैसे करेंगे बच्चों, आपको बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला पता है, हमने करवाया था, बी इज इक्वल टू होता है माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी. प्रेशर पता है आपको कितना दिया हुआ है, 6 इंटू 10 टू पावर 6, वॉल्यूम 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 अपॉन 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7. बस सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा बच्चा आपका 6 3 जा 18 माइनस 18 अपॉन 5 इंटू 6. देखो ये हो जाएगा बच्चा 6 और 7 13, 13 में 3 लेस हो जाएंगे तो 10, 10 टू पावर 10, ठीक. अब इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे इसको, ये हो जाएगा बच्चों आपका माइनस 6 3 जा 18 3 5 6 जा 30 इंटू 10 टू पावर 10. और बल्क मॉडुलस की जो यूनिट होगी वो होगी बच्चों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. बस बेटा अब न्यूमेरिकल फिनिश, अब आगे चैप्टर न्यूमेरिकल नहीं कराएंगे, हम कराएंगे अब नेक्स्ट चैप्टर कल से. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो.